हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करीम और आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल में। आज के वीडियो में मैं आपको इस तरह का तरबूज पेंट में बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप पेंट खोल लीजिए। पेंट खोलने के बाद आप यहाँ शेप्स में देख सकते हैं, एक ओवल शेप है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे खींच के एक ओवल शेप बना लीजिए अंडे के जैसा। ये बनने के बाद आप सेलेक्ट टूल यहाँ पे देख सकते हैं, सेलेक्ट टूल के ऊपर वाले स्क्वायर शेप को क्लिक कीजिए और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ये पूरा सेलेक्ट होने के बाद आप कीबोर्ड पे कंट्रोल पकड़ के आप इसको खींच के बाहर निकाल लीजिए। तो आप देख सकते हैं पीछे में ओवल शेप और एक सामने में, तो आप चाहते हैं दोनों साफ साफ दिखाई दे तो सेलेक्ट के अंदर में जाइए और नीचे ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हैं दो ओवल शेप आ गए। अब इसको आप एडजस्ट कर लीजिए ताकि आपका ये जो नीचे वाला भाग है ये तरबूजे के जैसा हो जाए। देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिए, वापस सेलेक्ट टूल लीजिए आप और ऊपर वाले हिस्से को जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया आप भी इसको सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबा के कीबोर्ड पे डिलीट कर दीजिए। उसके बाद आप ये शेप्स में लाइन लीजिए, आप इस कोने से लेके इस कोने तक इसको टच कर दीजिए। होने के बाद आप देख सकते हैं तरबूजे का शेप बन चुका है। जस्ट इसमें आप कलर डालना होगा। फिल बकेट को लीजिए, फिल बकेट में आप रेड कलर ऊपर में डाल दीजिए और ग्रीन नीचे के लिए। आप देख सकते हैं दोस्तों तरबूजा मेरा रेडी हो चुका है। अब हम इसका बीज डालेंगे इसके अंदर। तो चलिए सबसे पहले ब्रश ले लीजिए आप। ब्रश लेने के बाद कलर ब्लैक कर लीजिए। आप देख सकते हैं बहुत छोटा बीज बन रहा है यहाँ पे, तो इसको अगर बड़ा करना है आपको तो यहाँ पे जाइए साइज में और बीज का साइज आप यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। तो देखिए दोस्तों ये बीज का साइज भी बड़ा हो गया। आप अपने हिसाब से जहाँ भी देना चाहते हैं आप कुछ बीज दे दीजिए। बीज देने के बाद ये आपका वाटरमेलन तैयार हो गया। होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।